हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र सिंह में। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के गिरफ्तारी के बारे में जो हम आप लोगों को बताएंगे, उसकी गिरफ्तारी किस सेक्शन के तहत जो की गई है उसके बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे। उसका जो है सेक्शन 8C, सेक्शन 20B, सेक्शन 27 एंड सेक्शन 35 के तहत जो है उसकी जो है गिरफ्तारी की गई है। सेक्शन 8C के बारे में जान लेते हैं कि 8C क्या है और इसमें क्या सज़ा और क्या क्यों इसमें जो है गिरफ्तार किया जाता है। इसके तहत 8C में जो है ड्रग सेवन, खरीद बिक्री का अगर इस तरह का मामला हो तो इसमें सेक्शन 8C के तहत उसकी गिरफ्तार किया जाता है, एवं 8C के तहत 6 महीने से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये 8C का है। सेक्शन 20B के बारे में अगर देख लेते हैं तो इसमें अगर गांजा, चरस, ड्रग्स रखने का केस हो तो 20B के तहत जो है गिरफ्तारी की जाती है। साथ साथ में 20B के तहत जो है 20 साल तक की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 27 देख लेते हैं। सेक्शन 27 जो है ड्रग्स रखने और सेवन करने का आरोप के तहत जो है 27 के तहत जो इसकी गिरफ्तारी की जाती है। सेक्शन 35 इसमें जो है आरोपी को जो है खुद बेगुनाही साबित करने की जो है मतलब कि अगर वो अपने आप को खुद बेगुनाही साबित कर दिया तो उसको क्या होगा कि उसे छोड़ दिया जाएगा। ये उसके लिए ऑप्शन है कि अगर वो उतने सारे उसमें शक है कि वो ड्रग्स रखता है, ड्रग्स सेवन करता है, तो इन सारे सेक्शन के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है। अगर वो अपने आप को बेगुनाही साबित करना चाहे तो सेक्शन 35 के तहत जो वो अपने आप को बेगुनाही साबित कर सकता है। तो ये था शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का जो गिरफ्तार हुआ, ये मतलब कि ये सब सेक्शन थे। तो आप लोगों को ये सब जानकारी जान के बहुत ही अच्छा लगा होगा और मेरे वीडियो को काफ़ी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जानिए ये सब नॉलेज को।